फ्रेंड्स, फाइनली आप सबका वेट खत्म हुआ क्योंकि मैं बड़ी गुड न्यूज को बताने आ गई। जी हाँ, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बता देती हूँ, पवनदीप और अरुणिता का शानदार गाना कह दो के 1 साल कंप्लीट होने वाली है। इसी बीच अब फाइनली हमारी मेलोडी क्वीन अरुणिता और म्यूजिक किंग पवनदीप का नया गाना आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, सलीम सर ने आज एक बार फिर से पवनदीप, अरुणिता और चॉकलेट पाई को बुलाया अपनी स्टूडियो में, और सलीम सर के स्टूडियो से अभी अभी एक फोटो सामने निकल कर आए है जिसमें आप सब देख सकते हैं सलीम सर के साथ पवनदीप, अरुणिता और चॉकलेट पाई नजर आ रहे हैं। और पोस्ट में पवनदीप राजन ने लिखा कि समथिंग एक्साइटिंग कमिंग सून। पवनदीप और अरुणिता आज सलीम सर की स्टूडियो में है एक गाना रिकॉर्ड करने वाले है, और ये गाना सोलो नहीं बल्कि डुएट गाना होने वाली है। जी हाँ, आरुदीप का एक और नया गाना सलीम सर ने सोचा कि ये दोनों शानदार कलाकार को दिया जाए, तो पवनदीप और अरुणिता को एक बार फिर से मिला एक बड़ी मौका सलीम सर के साथ काम करने का। तो आप सब कितना ज्यादा खुश है, कमेंट में आरुदीप को कंग्रेचुलेशंस तो जरूर बोलिएगा, और आप सब उनके इस गाने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। और इसके बारे में और भी कुछ अपडेट सामने निकल कर आए, कोई वीडियो क्लिप या और कोई फोटो, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगी। आप सब बस इस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आपको और एक बड़ी गुड न्यूज को बता देती हूँ फ्रेंड्स, और ये गुड न्यूज होने वाली है सुपरस्टार सिंगर 3 को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको बता देती हूँ सुपरस्टार सिंगर 3 की ग्राउंड ऑडिशन शुरू होने वाली है, जिसके लिए आप इस फोटो में देख ही सकते हैं कि पवनदीप, दानिश, सलमान अली और सायली नजर आ रहे हैं। और ये फोटो सोनी टीवी के तरफ से सामने निकल कर आए हैं, लेकिन अरुणिता इस पोस्टर में नहीं है। ऐसे में हो सकती है कि जहाँ जहाँ ग्राउंड ऑडिशन होगी उन सभी बच्चों को ये चारों कैप्टन ही सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये 4 कैप्टन सिलेक्ट करेंगे कि किस किस बच्चों के पास टैलेंट है और वो आगे जा सकता है, तो वो मौका ये 4 कैप्टन को मिला। हालांकि अरुणिता को भी देना चाहिए था, पता नहीं सोनी टीवी वाले ऐसा क्यों नहीं किया। बात करें सुपरस्टार सिंगर 3 की, पहला ऑडिशन 17 जनवरी को भुवनेश्वर में होगी, उसके बाद 19 जनवरी को असम गुवाहाटी में होगी, उसके बाद 21 जनवरी को कोलकाता में होगी, उसके बाद 23 जनवरी को लखनऊ में होगी, उसके बाद 25 जनवरी को चंडीगढ़ में होगी, उसके बाद 28 दिल्ली में होगी, और उसके बाद लास्ट ऑडिशन 4 फरवरी को मुंबई में होगी। जी हाँ, तो आप सब इन सभी जगह में जाके अपना ऑडिशंस दे सकते हैं और आगे जाने का मौका पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलती हो और एक अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।